तो ये छान लेना चाहिए, अरे आप लोग कहाँ से आ गए। हाँ ये कुकिंग वीडियो नहीं है, आज मैं आपको बता रही हूँ कि उगाते कैसे हैं। तो बेसिकली बड़े बड़ी चीज़ें जो होती हैं ना, हमें छन्नी से छान लेनी होती है, क्योंकि हमें मुन्ने मुन्ने पहले बीज डालने होते हैं और उगाना होता है। तो आप भी हाथ से भी कर लें या ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से छन्नी में छान ली और अब छोटे छोटे बर्तनों में डाल के आपको किचन में ले जा के दिखाते हैं कि बीज कैसे डालते हैं और उगाते किस तरह है। चले अब हम आपको बताते हैं कि इसको छोटे छोटे, ये जो है ऑर्गेनिक बने हुए हैं, इसको हम डाल ही देंगे मिट्टी में, ये अंदर ही चला जाएगा। तो ये इस तरह से हम भरेंगे, चले आप कह सकते हैं वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। देखिए मजा आ रहा है ना, आप हमेशा कहते थे कि आप क्या करती हैं दिन भर में पकाने के अलावा, तो वो बताएं। तो हमने सोचा भाई आज जो मैं एक्टिविटीज़ कर रही हूँ वो आपसे शेयर करते हैं। अब ये छोटा मोटा ये उगाएंगे, फिर बाहर साथ चलेंगे, बिहाइंड द सीन में घर में क्या कर रही होती हूँ रूबी के किचन के अलावा वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए अब झटपट हम ये ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं हमारे पास, इस पर हम काम करते हैं। तो बेसिकली सर्दियों का जो लास्ट होता है ना, लास्ट जा रही होती है और गर्मियाँ जो है वो बिगनिंग में आ रही होती है, उसमें उगाना बेस्ट होता है। देखिए हमारे पास ये एक बैंगन है, आपके पास कोई भी बैंगन हो जो आपको दिल चाहे उगाने के लिए, हमने ये इस तरह से कर लिया। और अब हम इसको माइक्रोवेव में रखते हैं 2 मिनट के लिए। चले वो 2 मिनट होगा जब तक हम दूसरी चीज़ें कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास क्यूकम्बर है, खीरा, आपके पास जो भी खीरा हो, तो ये अब हम लेते हैं और इसको हम इस तरह से काट लेते हैं। ये काटा, आप ये देखें इसमें मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे से बीज हैं, इसको हम पानी के ग्लास में डाल देते हैं। अब इसको हम हिला लेते हैं। अब जो नीचे बैठेंगे वो बीज होंगे, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। चले बाय द टाइम वो 2 मिनट के लिए है इसका निकल रहा है, हम कुछ मिर्चें ले लेते हैं। देखें हमारे पास ये मिर्चें हैं बड़ी अच्छी सी, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसको उगाने के लिए, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मिर्च हो गई, अब हम ये सिरानो जो है जो मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ इसको लेते हैं। देखिए कितने क्यूट से हैं, इसको यहाँ निकाल लेते हैं। चले अब हम जाते हैं अपने बैंगन को लेके आते हैं। अच्छा बेसिकली क्या करेंगे, हमने ये जो इसको ये देखे फाड़ेंगे और इसमें कितने सारे बीज है, देखें ये देखें बीज निकलना शुरू हो गए हैं। चले अब हम हाथों से कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको सेपरेट कर लेते हैं। चले अब हम छान लेते हैं, ऊपर का हम फेंक देते हैं, उसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो है पानी को छान लेते हैं। चले इसको हम इस पे निकाल लेते हैं, बारीक बारीक सीड्स हैं। अब बैंगनों का ये ऊपर का भी निकाल के फेंक देते हैं और इसको भी छान लेते हैं। देखें ये हमारे बीज जब तक सूख रहे हैं बैंगन के और खीरे के, जब तक हम टोमेटो की स्लाइस कर लेते हैं जो उगाना है वो वाला। तो अभी जैसे हमें रोमा पसंद है तो ये वाला हमने काट लिया। और इसी तरह ये देखें लहसुन जो है इसका ग्रीन ग्रीन निकल आया है, तो इसका भी हम फ़ायदा उठाते हैं। ये एक लेते हैं लहसुन का और ये भी रेडी हो गया हमारा, ये भी उगा देंगे। देखिए जैसा लेबल किया हुआ ना, इस तरह से कर ले ताकि आपको पता चले कि कौन सा किस में डाला है। और अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी खाद डाल देंगे। चले अब इस पर हम थोड़ा सा पानी शावर कर देंगे, लेकिन ये बेचारे मासूम मासूम से बीज है ना, तो पानी डायरेक्ट डालेंगे तो फिर वो खुश नहीं रहेंगे। तो हमने यहाँ होल कर लिया है, आप चाहें तो आप भी इस तरह से कर लें। और ये देखें हमारा हमने कितना ज़बरदस्त सा कर लिया, ये जैसे बाग में डालने वाला होता है ना, इस तरह से हो गया। अच्छा यहाँ देखें हम मिर्च के 3-3 बीज डाल देंगे, ये देखें क्योंकि ये छोटी छोटी जगह है ना, तो इसको अलग अलग हम 3-3 डाल देंगे, ओवरलैपिंग नहीं कीजिएगा। लहसुन को हम इसमें डाल देते हैं और वो जो ग्रीन साइड जो है ना वो ऊपर रखेंगे और उसकी रूट नीचे डाल देंगे, बस इस तरह से फंसा देंगे। बस अब थोड़ी थोड़ी खाद डाल देंगे,
हल्की हल्की डालनी है, इतनी भी नहीं कि भाई वो अंदर बेचारे निकलने की कोशिश में ख्वार हो जाए और निकल भी ना सके। हल्का हल्का थोड़ी आज़ादी देंगे, थोड़ा पैक कर देंगे। बस ये देखें, और जब भी आपको ड्राई नज़र आए, सूख गया हो तो दोबारा दे दें। ऐसा लग रहा है ना, रिम झिम गिर सावन, कितने खुश हो गए देखें ये लोग। 10-12 दिन लगेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, फूट ही जाएगा अगर आपने दिल से उगाया है तो। अब पुदीना जो है ना, हमारे पास जो होता है घर में, उसके नीचे से हमें डंडी जो है वो 2 इंच तक के पत्ते निकाल लेने। ये देखें इस तरह से जैसे निकाल लिए हमने 2 इंच के पत्ते, और इसको हमें डाल देना है। ये देखें इस तरह से डाल देंगे, 1.25 इंच के आसपास हम डाल देंगे। इसमें भी थोड़ी सी हम डाल देंगे खाद। ये बहुत फास्ट उगते हैं और जगह भी बहुत घेर लेते हैं, इसलिए ऐसी जगह पे गाड़ना है कि जहाँ काफ़ी स्पेस हो। चले इसको भी पानी दे देते हैं, ये भी खुश खुश हो गया। चले मैं आपको ले चलती हूँ। अब आपको मैं बताती हूँ कि मैं काम किस किस्म का करती हूँ, आप लोगों को पता करना था ना, तो चले चलते हैं। आप लोग कहते थे ना, अब मैं तो लेकर ही जाऊंगी, आप लोग हर जगह जाऊंगी और बताऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ। ये देखे डकीज नजर आ रहे, जोई यहाँ खेलती है मैं जब आती हूँ तो शाम के वक्त। चले जी आ गए हम। तो देखें मैं रेस्टोरेंट कंसल्टेंट हूँ, और ये देखें किचन कितना खूबसूरत सा देखें ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो चले आपको मैं किचन दिखाती हूँ। ये फ्रायर है, तो अभी बस काम हो रहा है। यही मैं चेक करने के लिए आई थी कि भाई कैसा है, सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप लोग बताएं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ले कर आई हूँ। आप लोग पहले से यहाँ मौजूद है भाई। चले भाई अब थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ मसाज शसाज करते हैं, फिर काम करेंगे। आप लोग मुझे हेल्प करना बर्तन धोने में। ये वही टाइम है भाई जब मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दे रही होती हूँ। मसाज हो रहा होता है, थकन उतर रही होती है, और आप लोग की खूबसूरत खूबसूरत मज़े मज़े के कॉमेंट्स पढ़ के मैं और फ्रेश हो जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप लोग मेरा मैस मत देखिएगा, लेकिन देखेंगे नहीं तो मेरी हेल्प कैसे करेंगे। चले अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए डिशवॉशर है, इसमें हम अपने सारे गंदे गंदे बर्तन डाल देते हैं। तो अब बेसिकली ये जो है डिपार्टमेंट, इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें डाल देती हूँ, छुरियाँ वगैरह डाल देती हूँ, सब गंदे जैसे भी होते हैं ना बर्तन, बस वो सभी डाल देने होते हैं। कभी कभार बहुत सारे जब बर्तन इस्तेमाल में आ रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को पता भी नहीं होता है, ये मैं डाल देती हूँ और ये धुल रहे होते हैं, और इतना ये मशीन क्वाइट है कि आप लोगों को आवाज़ें भी नहीं आ रही होती है। ये नीचे चली जाएगी बड़ी प्लेट। चलो ये भी भर गया, ये भी भर गया। अब ये देखें टैबलेट जो है यहाँ जाएगी, ये टैबलेट है जिससे बर्तन धुलते हैं। ये गई, ये बंद किया, और यहाँ हमें पिक करना है। चले आप पूछते रहते थे ना कि भाई क्या क्या करती हूँ मैं, अब देखें अब लॉन्ड्री करेंगे। चले सबसे पहले हम मशीन खोलते हैं, और उसमें ये जो हमारी लॉन्ड्री रखी हुई है इतनी सारी देखें जमा हो गई है, वो हम डाल देंगे। चले अब इसमें हम खुशबू के लिए ये डाल देते हैं, ताकि कपड़ों में से अच्छी सी खुशबू आए। तो ये थोड़ा सा डाल देंगे, बस इतना। अब इसको हम बंद करते हैं, और यहाँ देखें हमारा विंडो है, इसमें हमें वॉश करने के लिए डिटर्जेंट डालना है, तो ये हम डालेंगे इसमें। चले अब इसमें हम डालेंगे फैब्रिक सॉफ्टनर के, ताकि हमारे कपड़े मुलायम और खुशबूदार हो जाए, तो वो ये डालेंगे। इसको ढक्कन को बंद करते हैं, तो बस अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अच्छा देखें जब तक ये धुल रहे हैं, अब हम नीचे वाले मशीन में वो जो हमारे घर के जो मसौते वगैरह होते हैं ना, वो डालेंगे। तो ये देखिए छोटा वाला जो है इसमें हम डालेंगे, इसको बंद करेंगे, बस इसको हम दबाएंगे और उसके बाद बंद कर देंगे।
और ये देखें क्या मस्त कपड़े धुल रहे हैं, ये देखें। और यहाँ नीचे हमारे छोटे मोटे कपड़े धुल रहे हैं। देखा आपने मेरे साथ बर्तन धोए, आपने मेरे साथ कपड़े धोए, अब हम इसकी सफाई करते हैं कारपेट की। तो ये देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा दोस्त है, चलो बेटा सफाई करना शुरू करो। देखा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मुझे बहुत पसंद है, प्यार कर लूँ उसको। ये मेरा बहुत बड़ा साथी है रूबी के किचन में, जैसे लॉन्ड्री मशीन है, जैसे डिश वॉशर है, ऐसे ही ये है। हाय कहो बेटा। चले चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। और अपनी रूटीन लाइफ अगर आपको पसंद आई है और आपकी रिक्वेस्ट थी पसंद आई है, तो दोबारा एक नए अंदाज के साथ। लव यू, अल्लाह हाफिज़।